गुना से शमशाबाद जा रही कमला बस चालक की लापरवाही से बच्ची रुचि शर्मा उम्र 6 वर्ष की मासूम बच्ची की हो गई मौत। बस के छत पर साइकिल लोड होकर जा रही थी, तभी गांव में करंट का तार टूट गया और तार टूट जाने से नीचे खड़ी बच्ची को करंट लग गया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। पूरी घटना जमुनिया गांव की है। फिलहाल बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए लटेरी सामुदायिक केंद्र लाया गया है, जहां से शव का पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। वहीं SDOP अजय मिश्रा का कहना है कि प्रथम दृष्टया में बस ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है, हमने मर्ग कायम कर मामले की जांच में ले लिया है। फिलहाल बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए लटेरी सामुदायिक केंद्र लाया गया है, जहां से शव का पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया गया। कला में आज 12 बजे के लगभग बहुत ही दुखद घटना हुई है। हमारे यहाँ के पंडित हरिओम शर्मा की लड़की जो कि 6 साल की थी, उसको करंट लग गया है और उसकी दुखद निधन हो गया। और ये कैसे लगा करंट उसका, क्या ये क्या है? बस चलती है गुना से आती है, वहीं जाती है कमला बस थी, और जो दूरी थी ऊपर वो अड़ गई, मतलब बस से दूरी टूट गई। टूटने के बाद टूटने के कारण बच्ची खड़ी थी, वही गुमटी को पकड़ो बस टूटने को, गुमटी में जो जैसे करंट फैला बच्ची ने हाथ रखे तो खड़ी थी। तो बस से डोरी टकराने के कारण ऐसा हुआ? हाँ, बस से डोरी टकराने के कारण। बस के ऊपर कुछ सामान वगैरह भी रखा था? साइकिलें रखी थी, उसको साइकिल में डोरी टकराई गई। तो साइकिल में लगने जी जो गांव है इसमें गुना से आने वाली एक बस जो है वो शुरू की ओर जा रही थी, तो गांव में उनका जो तार है उसमें कोई साइकिल वगैरह जो ऊपर रखी होगी उससे वो तार टूटा है और ये बच्ची पास में ही खेल रही थी, उससे उसको जो है करंट लगा और मौके पे ही जो है उसको गंभीरता आ गई और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। अस्पताल में उनका भी पोस्टमार्टम कराया गया। किसकी लापरवाही मानते हैं, किसकी लापरवाही से ये सब कुछ हुआ है? अभी चूंकि जो तथ्य शिकायत के आए हैं, मौके का परीक्षण के बाद स्थिति स्पष्ट हुई। प्रथम दृष्टया तो बस कारण बने जिस वजह से तार टूटा है, तो एक वाहन चालक अगर उस चीज़ को देखता कि वह हाइट पर वायर है और कुछ सामान उसने और हाइट पर लगाया हुआ रखा हुआ है, तो उसकी कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया उसकी लापरवाही परिलक्षित तो हो रही है। देश के हर शहर हर गांव हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।